आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका। तो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका क्या होती है? जो त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसम्मिका को त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका कहा जाता है, जबकि यह संबंधित कोणों के सभी मानों के लिए सत्य होता है। इसे त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका तब कहते हैं जब यह त्रिकोणमितीय कोणों के सभी अनुपातों के लिए सत्य होता है। ये सभी मानों के लिए, 0 से लेकर 90 अंश तक के सभी मानों के लिए सत्य होता है। तो आप देखिए, यहाँ पर ये त्रिभुज ABC है, मान लीजिए, ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, ये देखिए एंगल B क्या है, समकोण है, यहाँ पर एंगल B आपका क्या है, समकोण है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AB² + BC² = AC² पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AB² + BC² = AC². ये देखिए, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण एक मान लेते हैं, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से समीकरण एक हो गया आपका। अब देखिए समीकरण एक ये हो गया है पाइथागोरस प्रमेय से, इसके सभी भागों में हम AC से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, इसके सभी भागों में AC² से भाग देने पर समीकरण एक के सभी भागों AC² से भाग देने पर देखिए AC² से भाग दे देंगे। इसमें देखिए AB² से भाग दिए, AB² में भी क्या किए, AC² से हमने भाग दे दिया, प्लस ये देखिए BC² है, इसमें भी हमने क्या किया, AC² से भाग दे दिया, = ये देखिए AC² है, इसमें भी AC² से भाग दे दिया। तो अब देखिए ये क्या हो गया, AB / AC इसका स्क्वायर हो गया, ये क्योंकि नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, तो AB / AC का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये देखिए BC / AC का स्क्वायर = AC / AC का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए AB / AC क्या होता है, इस समकोण त्रिभुज में देखिए संलग्न भुजा बटा कोण, ये क्या है, AB / AC क्या है, AB आपका संलग्न भुजा है, AB क्या है, संलग्न भुजा है, और AC कर्ण है। तो संलग्न भुजा बटा कर्ण = क्या होता है, cos A होता है। तो ये हो जाएगा AB / AC की जगह हम cos लिख सकते हैं, cos A, ये हो जाएगा cos A। तो ये देखिए ये स्क्वायर है, इसका मतलब cos² A, ये क्या हो गया, cos²
ए, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, प्लस बी सी बाई ए सी है, तो बी सी देखिए सम्मुख भुजा बी सी है, बी सी बाई ए सी, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, सम्मुख भुजा बटा कर्ण क्या होता है, साइन ए होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, हो गया। साइन ए का मान हम ऐसे ही निकाले थे ना कि सम्मुख भुजा बटा कर्ण, तो ए साइन स्क्वायर बाई ए, साइन स्क्वायर ए हो गया इक्वल टू ए सी बाई ए सी, सेम भुजा बाई सेम भुजा है, इसका मतलब वन आएगा, तो ये वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन, ठीक है। तो साइन स्क्वायर, अरे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन, यह हमें सर्वसम्मिका प्राप्त होती है, जो कि जीरो से लेकर के 90 डिग्री तक के सभी कोणों के मानों के लिए सत्य है, ठीक है। तो हमें यह पहली सर्वसम्मिका प्राप्त हो गई, ठीक है। तो सर्वसम्मिका हम इसीलिए ज्ञात करते हैं कि जो कि जीरो से लेकर के 90 अंश के कोण के सभी मानों के लिए सत्य हो, इसीलिए इसे हम सर्वसम्मिका कहते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, यदि समीकरण ए में इसे भाग दे दीजिए, ए बी से भाग दे दीजिए, ए बी स्क्वायर से, ये पहली आपकी सर्वसम्मिका मालूम हो गई, ठीक है। इसको घेर देते हैं, इसे हमें याद रखना है, इसका यूज होगा आगे, ठीक है। दूसरा देखिए, समीकरण ए में, समीकरण एक में किसे हम भाग देंगे, ए बी से भाग दे दीजिए, ए बी स्क्वायर से, ए बी स्क्वायर से भाग करने पर सभी पक्षों में कर लेंगे, है ना। तो ये देखिए, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, ये देखिए, प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, क्योंकि हम तो ए बी स्क्वायर से ही भाग दे रहे हैं, इक्वल टू ये देखिए ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, अब ये क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी बाई ए बी, इसको लिख सकते हैं पूरे का स्क्वायर हो जाएगा जैसे ऊपर किए हैं, प्लस ये देखिए बी सी बाई ए बी, ये भी पूरे का स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए सी बाई ए बी, ये भी पूरे का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए, ए बी बाई ए बी, तो ए बी बाई ए बी वन हो जाएगा, ये हो गया वन आपका, प्लस देखिए बी सी बाई ए बी, इसमें देखिए बी सी बाई ए बी सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, तो ये क्या आ जाएगा, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा इक्वल टू टेन ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस, ये देखिए ये भाग हो गया टेन ए, आई जो है स्क्वायर, इसलिए टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, ए सी बाई ए बी, ये देखिए ए सी बाई ए बी, तो ये क्या हो जाता है, ए सी बाई ए बी सेक हो जाएगा, क्योंकि कॉस होता है आपका ए बी बाई ए सी, तो ए सी बाई ए बी क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो ए सी बाई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये आपका दूसरा, ये एक सर्वसम्मिका मालूम हो गई आपको,
ठीक है, 1 + 10² = 6² a। आइए आगे देखते हैं। अब आइए तो इसमें देखते हैं, समीकरण एक को ए बी से भाग दे दिए थे, अब बी सी स्क्वायर से, अब देखिए बी सी स्क्वायर से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, क्योंकि बी सी स्क्वायर से ही भाग दे ले रहे हैं, थोड़ा बढ़ा लेते, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका ए बी बाई बी सी का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी बाई बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई बी सी का, ये देखिए। अब हम देखते हैं कि ए बी बाई बी सी क्या है, ए बी बाई बी सी संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा, तो ए बी बाई बी सी इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए होता है, ए बी बाई बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट ए, तो ए बी बाई बी सी का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस ये देखिए बी सी बाई बी सी है तो ये वन हो गया, वन का स्क्वायर वन हो गया। ठीक है, ये इक्वल टू ए सी बाई बी सी, यहाँ पर देखिए ए सी बाई बी सी, तो देखिए बी सी सम्मुख भुजा बटा कर्ण, बी सी बाई ए सी क्या होता है, साइन ए होता है, तो ए सी बाई बी सी ठीक इसका उल्टा है तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक है, तो 1 + cot² a इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, उधर 1 + tan² a लिखे थे इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इसीलिए इसको भी उसी फॉर्म में थोड़ा लिख देते हैं, इसके सुविधा रहेगा याद करने में, 1 + cot² a इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये आपकी तीसरी सर्वसम्मिका प्राप्त हो गई। सर्वसम्मिका कहाँ से आती है, कैसे आती है, आज हम लोगों ने सीख लिया कि सर्वसम्मिका हमारी जो कि सभी कोणों के लिए सत्य है, ये कैसे हम निकालते हैं, ये हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, और उसमें हम बारी बारी से क्या करेंगे, पहले ए सी से भाग दे दिए ए सी स्क्वायर से, तो हमारा क्या निकल गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन आया। दूसरा में हम क्या किए, ए बी स्क्वायर से भाग दे दिए, तो ए बी स्क्वायर वाले में क्या आया, 1 + tan² a इक्वल टू सेक स्क्वायर ए आया था। अब तीसरा में हमने क्या किया, बी सी स्क्वायर ए से भाग दे दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसी समीकरण में हमने बी सी स्क्वायर से भाग दिया, तो बी सी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, दोनों में देखिए भाग दे दिए हैं दोनों पक्षों में। अब इसको देख लीजिए, ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी बाई बी सी का, ये क्या हो गया, ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर हो गया।
तो ए बी बाई बी सी, यहाँ से हमको देखना है कि ए बी बाई बी सी क्या होता है। तो मतलब संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा, ये क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है, कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बाई बी सी इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर है इसलिए कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। आप जानते होंगे कि टेन ए इक्वल टू क्या होता है, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, तो इसका उल्टा है ही, पहले संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा है, ए बी बाई बी सी है, तो ए बी बाई बी सी क्या हो गया, ठीक टेन का उल्टा हो गया, ये कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस ये देखिए वन आ जाएगा, बी सी बाई बी सी इक्वल टू ए सी बाई बी सी, ये देखिए कर्ण बटा क्या है, सम्मुख भुजा है, तो कर्ण बटा सम्मुख भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, ये कोसेक हो जाएगा कर्ण बटा सम्मुख भुजा, तो यहाँ पर ए सी बाई बी सी का स्क्वायर है इसलिए यह कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, तो हम लोगों ने तीनों सर्वसम्मिका सीख लिया, क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन, दूसरा क्या है वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तीसरा क्या हो गया वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। आप लोग इसके याद रखिएगा, फिर जो है कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है।